हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्री जमा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास टेंथ पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2, जो कि क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए कॉमन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, इसकी तीन कैटेगरी हमने बनाई है। जैसे लिखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि चरों की संख्या के आधार पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या के आधार पर कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। और बेस्ड ऑन डिग्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, यानी कि घात के आधार पर कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी कि उसका मानक रूप क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे और उसके ऊपर कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखने हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर एक हो, दो हो, तीन हो, तो उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को किस किस नाम से बोलते हैं। तो देखो, यहाँ ध्यान रखना कि जो वेरिएबल्स यूज करने हैं वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएबल यूज करने हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई एक वेरिएबल को हमने तीन जगह यूज कर लिया उनकी पावर्स अलग अलग करके, तो वो क्या होंगे, अलग अलग टाइप के वेरिएबल नहीं होंगे, वो एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। तो डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं, उसके हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर एक हो तो उसको हिंदी में बोलेंगे एकचरीय और इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट नाम होगा उस पॉलिनोमियल का। और उसी तरीके से उसका एग्जांपल देख लो, एक कि x प्लस 1, इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, तो ये क्या है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल होगा। ये इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी चरों की संख्या कितनी हो, दो हो, तो उसको हम बोलेंगे द्विचरीय, यानी दो चर वाला पॉलिनोमियल, इंग्लिश में उसको बोलेंगे बाइवेरिएट। और एग्जांपल देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, एक एक्स है और एक वाई यूज किया है। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो, तीन हो, तो उनको बोलते हैं त्रिचरीय, यानी कि ट्राइवेरिएट। और यहाँ एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इसी तरीके से जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल वाले जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, उनको हम एक कॉमन नाम यूज कर सकते हैं उनकी जगह पे, वो है मल्टीवेरिएट, यानी कि बहुचरीय, बहुत सारे चर वाले जो वेरिएबल्स होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीवेरिएट। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी चरों की संख्या के आधार पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। अब हम देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी एक पॉलिनोमियल के अंदर एक ही हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी एक पदीय बहुपद कहलाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। देखो, एक एक्स है, इसमें एक ही टर्म दिख रहा होगा, -2y है, इसमें भी एक ही टर्म दिख रहा होगा। देखो, यहाँ आप लोगों को दो टर्म्स दिख रहे होंगे, 2x और +3x, लेकिन ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स होने की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, एड करके एक सिंगल टर्म लिख सकते हैं, तो यानी कि ये भी क्या है, मोनोमियल ही होगा। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, दो हो, तो उनको बोला जाता है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी हिंदी में बोले तो द्विपद, ये जिसमें दो पद हो। तो एग्जांपल देखो, जैसे 2x प्लस वाई, ये दोनों अलग अलग टाइप के क्या है, टर्म्स है, मतलब कि हम बोल सकते हैं ये अनलाइक टर्म्स है, असमान पद है, तो ये दो वो हो गए। अब यहाँ देखो, आप लोगों को तीन दिख रहे होंगे, लेकिन ये माइनस का 3x और प्लस का 7x, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल टर्म लिख सकते हैं। तो देखो, माइनस का 3 प्लस का 7, तो ये तो कितना बन जाएगा, प्लस का 4x। तो देखो, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दो है, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल होगा। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, तीन हो, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद, तो त्रिपदीय बहुपद, तो ये क्या होगा, देखो 2x प्लस वाई प्लस 7, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, तीन दिए हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, बार बार मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल यूज करने के बजाय हम इनके जगह पे कॉमन वर्ड यूज करेंगे, केवल पॉलिनोमियल ही बोल के इनको चलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, पॉलिनोमियल को देखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं।
अब हम देखते हैं कि डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद हो सकते हैं। तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो हो सकती है। जीरो किस केस में होती है, तो यहाँ पहले एग्जांपल को देख लो, जैसे 3-700 वगैरह लिखा हुआ है, तो इनके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल है ही नहीं तो मान सकते हैं कि मान लो कि कोई वेरिएबल रहा होगा, उसकी पावर एक्स पावर जीरो या वाई पावर जीरो रही होगी, क्योंकि एक्स पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसके हिसाब से वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट होगा उस, ध्यान रखना एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो का एक स्पेशल केस होता है, उसको हम नीचे देखेंगे नोट के अंदर, कि अगर कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है यानी अचर है तो उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है, और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। उसी तरीके से डिग्री वन हो सकती है, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा और 8th में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहां एक वेरिएबल यूज करते थे और लीनियर का क्या मतलब होता था, वहां जो पावर होती थी वेरिएबल की वो कितनी होती थी, वन होती थी। तो देखो यहाँ पे 2x+3, इसके अंदर देखो x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसकी पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो 1 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद। उसी तरीके से अगर डिग्री 2 हो यानी कि उसकी घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 हो, देखो एग्जाम्पल देखो -4x² + 4x + 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है हाईएस्ट पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट पावर ये डिग्री कहलाती है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघातीय यानी कि 2 घात वाला बहुपद। उसी तरीके से डिग्री 3 भी हो सकती है, तो देखो यहाँ इस एग्जांपल में 3x³ + 2x² + x + 1, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुत ही आसान नाम है इसका, त्रिघातीय। उसी तरीके से इसकी पावर 4 भी हो सकती है, तो देखो क्या 4 क्वाड्रेटिक यानी कि 2 वाले का डबल है, तो इसको एक नया नाम निकाल दिया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात चतुर्थ घातीय बहुपद। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी होगी, 4 होगी, मतलब उसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे चतुर्थ घातीय या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। इसी तरीके से एक चीज और है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कोई जीरो पॉलिनोमियल है अर्थात जो कॉन्स्टेंट था वो अगर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उस वाले केस में क्या होगा, देखो इसकी पावर इसकी जो डिग्री है वो कितनी भी हो सकती है। तो देखो 0 के अगर मल्टीप्लाई में x² रखें तो भी 0 आएगा, x³ रखें तो भी 0 आएगा, x⁸ रखें तो भी 0 आएगा, यानी इन सब केस में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रही है, हम बता ही नहीं सकते कि उसकी पावर कितनी है, 0 है। तो जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर क्या होती है, सॉरी उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये पूछ ले कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है तो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल। यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि वो डिग्री की वैल्यू दे देगा तो पूछ लेगा कि बताओ उसका क्या नाम है, या नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि उसकी डिग्री कितनी होगी, या कोई एग्जांपल देके पूछ सकता है बताओ इसकी डिग्री कितनी है और इसका नाम क्या है। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर अगले वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम किस रूप से लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एक px एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके अंदर वेरिएबल x का यूज हुआ है, यहाँ क्या है 2x⁵ + 3x⁴ + 4x⁴ - 4x² + 8x - 7। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पावर्स है वो एक एक करके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अर्थात कम हो रही है, और जो वेरिएबल्स हैं उनके मल्टीप्लाई में भी कुछ है, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर ये लेक्चर नंबर 1 देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना। तो ये जो वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वाला फैक्टर होता है यानी आंकिक गुणांक होता है, इसको हम कोफिशियंट बोलते हैं। तो 2, 3, 4, -4, 8 और -7, ये सब क्या कहलाएंगे, इसके कोफिशियंट कहलाएंगे। अब इसी को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बनाते हैं, देखो अब यहाँ तो पावर क्या है, 4 है, वो सॉरी 5 है हाईएस्ट, तो ये लगातार बदल सकती है। तो हमने मान लिया कि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, n है, फिर उससे कम वाली यानी n-1 होगी। तो देखो यहाँ उसके कोफिशियंट में भी कुछ होगा, अब यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, वो हमें हर
क्वेश्चन में टू और थ्री थोड़ी ना रहने वाला है, तो क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ भी क्या किया, एक वेरिएबल मान लिया, यहाँ पे कोई ऐसी चीज मान ली जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखो ये वाला एक टर्म है x पावर an और an, an इसका क्या है कोफिशियंट है और x पावर n है, तो हाईएस्ट पावर क्या है n, यहाँ देख लो इसकी डिग्री क्या है n और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, उससे कम वाली पावर आएगी तो क्या आएगी, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, एक कम। अगर मान लो कि n की वैल्यू यहाँ 100 है तो यहाँ क्या हो गया 99 हो गया, 98 हो गया, उसी तरीके से 3, 2, 1 लास्ट में जीरो वाला, एक्स की पावर जीरो वाला टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से अब इसको आप कुछ भी बना सकते हो, जितनी भी पावर का होगा उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। तो यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन हो सकती है, उससे एक कम एन माइनस टू होगी, फिर एन माइनस थ्री होगी। ध्यान रखना एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है होल नंबर्स के अंदर से। तो यहाँ देखो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एन की वैल्यू इस तरीके की होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, एन माइनस वन एन माइनस टू जब हम करें तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, इनकी पावर कभी भी माइनस में नहीं बननी चाहिए। जैसे हम मान लो कि n की पावर 1 है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया, लेकिन ये माइनस 1 हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें नहीं देखना, फिर वो वाला टर्म क्या होगा, यहीं खत्म हो जाएगा, ये वाले टर्म्स यहाँ आ जाएंगे। इसको एक बार वापस इस एग्जाम्पल को समझेंगे, एक बार समझ लेते हैं। देखो अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखी हुई हो, ठीक है, घटते हुए क्रम में पावर लिखी हो, उनके कोफिशियंट यानी गुणांक में कुछ दिया हुआ हो, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म सभी क्वेश्चंस के लिए सेम होगी, मतलब बदलती रहेगी, हम एक इसका कॉमन रूप बना लेते हैं। तो कॉमन रूप हमने ये बनाया कि एक्स की पावर एन है, उससे कम होती जाएगी एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ये होती जाएगी और उन सबके गुणा में कुछ होगा। तो मान लो एक्स की पावर एन के गुणा में ए एन है, एक्स की पावर एन माइनस वन के गुणा में ए एन माइनस वन है, और एक्स की पावर एन माइनस टू के गुणा में एन माइनस टू है। उसी तरीके से एक्स की पावर तीन के गुणा में ए थ्री है, एक्स की पावर टू के गुणा में ए टू है, फिर ए वन है, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अभी अभी हमने देखा है कि कॉन्स्टेंट टर्म के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो मान लेते हैं कि एक्स की पावर जीरो के मल्टीपल में क्या है, गुणा में क्या है, ए नोट है, अर्थात ए जीरो है, जो कि कॉन्स्टेंट टर्म होगा हमारा। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। लेकिन यहाँ भी बहुत एक कंडीशन जरूरी है कि जो ए एन है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो। क्यों, क्योंकि अगर ये क्या होगा, जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो है, जीरो से एक्स की पावर एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी रह गई, एन माइनस वन रह गई, और अगर ये भी जीरो हो जाए तो अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी रह गई, एन माइनस टू हो गई। तो अगर हम इसको बोल रहे कि एन डिग्री वाला, एन सबसे हाईएस्ट पावर है इसकी, तो अगर ये एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो हम बोलेंगे कि एन अगर जीरो नहीं है तो ये एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितनी है इसकी, एन है, और वो होल नंबर है और उसकी पावर लगातार कम हो रही है। सेम इस क्वेश्चन को यहां रख सकते हो, तो यहां एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, और फिर एक कम हुई तो 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, और फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। तो ये भी ध्यान रखना। और जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लस और माइनस से अलग करे हुए होते हैं किसी पॉलिनोमियल में, वो क्या कहलाते हैं, उसके टर्म्स यानी कि पद कहलाते हैं। तो देखो इसका एक टर्म होगा, इसका एक टर्म ये होगा, ये होगा, ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, टर्म्स यानी कि पद कहलाते हैं। और इन वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो दिया हुआ है, गुणा में जो दिया हुआ है, वो उसके क्या, जैसे कि देखो x की पावर n के गुणा में क्या दिया हुआ है, an, x की पावर n माइनस 1 के गुणा में an माइनस 1 दिया हुआ है, और इसी तरीके से x स्क्वायर के गुणा में a2 दिया हुआ है, x के गुणा में a1 दिया हुआ है, और x की पावर कुछ था नहीं वहां पे कांस्टेंट टर्म, तो मान सकते हैं कि x की पावर 0 के गुणा में क्या दिया हुआ है, a नॉट दिया हुआ है। ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशियंट कहलाते हैं। किसके, इसका कोफिशियंट ये होगा, इसका कोफिशियंट ये होगा, इसका कोफिशियंट ये होगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। हमें इसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कोई पूछ ले कि ये बना के बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है, और हमेशा जब भी उसको लिखोगे पॉलिनोमियल को, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में, पावर्स के घटते क्रम में लिखते हैं। और ये पूछ सकता है कि बताओ कोफिशियंट क्या होगा, जैसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि
एक पॉलिनोमियल की वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का मान का क्या मतलब होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आने वाले सारे टॉपिक्स क्या होंगे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आने वाले किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो देखो जैसे मेरे को एक पीएक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ऐसा बोला है कि एक्स बराबर अल्फा, अल्फा कुछ भी कोई कांस्टेंट हो सकता है 2, 3, 4, 5, एक्स बराबर अल्फा के ऊपर क्या बताओ इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, जहां जहां हमारे पॉलिनोमियल के अंदर एक्स यूज किया हमने उस जगह पे हम क्या रख देंगे अल्फा रख देंगे और आगे क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो देखो एक्स बराबर अल्फा, अल्फा कोई भी कॉन्स्टेंट है उसके ऊपर इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है हमें क्या निकालना है पी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इस एग्जांपल से समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x² - 3x + 1, तो हमें क्या बोला है कि x बराबर 2 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया x की जगह पे 2 रिप्लेस करना है सिर्फ। तो देखो हर जगह पे जहां जहां x है उस जगह पे हम क्या करेंगे x की जगह पे 2 रिप्लेस कर देंगे। तो देखो ये 2 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई x की जगह पे 2² हो गया -3 × 2 + 1। तो देखो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ 3 × 2 = 6 हो गया और +1 यहाँ क्या हो गया 4 × 2 = 8 -6 + 1। तो देखो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल P2 की वैल्यू कितनी, मतलब पॉलिनोमियल PX की X बराबर 2 के ऊपर वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, देखो इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ PX (x³ - 6x² + 11x - 6, 8x = -2) यानी x बराबर -2 के ऊपर हमें क्या करना है इस वाले बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या रख देंगे x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो फिर आगे सोल्व करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। देखो हमने क्या किया p-2 पे हमें मतलब x बराबर -2 पे वैल्यू पता करनी है तो वो कितनी होगी p-2। तो देखो -2³ (6 × -2² + 11 × -2) और -6 हर जगह पे हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया -2। तो देखो -2³ क्या हो गया मतलब -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा। देखो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये माइनस आएगा और 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 8 आएगी। और इसी तरीके से देखो -2² करेंगे तो इतना ही करना है हमारे को कि -2 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया और फिर इस 4 को इसकी वैल्यू तो 4 आ गई, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना 6 से, माइनस का 6 था तो माइनस का 6 × 4 = 24 आ गया। अब यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, 11 को 2 से करेंगे 11 को 2 से करेंगे तो 22 आ गया 22 आ गया और ये माइनस का 6 है। तो इन सबको अब क्या करेंगे सम कर लेंगे तो देखो 8 और 24 = 32 हो गया, 32 के अंदर हमने क्या ऐड किया 22 ऐड किया तो 54 हो गया और 54 में 6 ऐड किया तो 60 हो गया, लेकिन सारे माइनस के थे इसलिए क्या आएंगे माइनस का 60 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की पी बराबर एक्स बराबर -2 पे वैल्यू p-2 = कितनी होगी माइनस का 60 होगी। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर 3-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब हम दो क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं जिससे हमारा जो अभी हमने पढ़ा है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स एक पॉलिनोमियल (x³ - x² + x + 7) इसकी हमें x = -3 पे क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि p-3 इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि p-3 कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे -3 रिप्लेस कर देंगे और फिर आगे सोल्व कर लेंगे, आगे सोल्व करने के बाद में बता देंगे कि कौन सा वो हमारा आंसर होगा। तो यहां मैंने 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं क्योंकि हमारा जो टर्म 1 का जो पेपर होगा CBSE का वो क्या होने वाला है MCQs बेस्ड होने वाला है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखो p-3 हमें निकालना है तो हर जगह पे क्या करेंगे -3 रिप्लेस कर देंगे, -3³ - -3² और
प्लस माइनस 3 प्लस 7, तो देखो माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो तीन बार मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा 9 और 9 जा 27, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 27। उसी तरीके से पहले स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना आया 9, 9 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ गया, और ये प्लस और माइनस ये कितना हो गया माइनस का 3 और प्लस 7। तो पहले इन सभी माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो देखो माइनस 27 और माइनस 9 ये कितना हो गया माइनस 36, और माइनस 36 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 39, माइनस 39 में प्लस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 32। तो देखो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे को पी यू दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ वेरिएबल यू यूज किया है, इसी तरीके से क्यू यू एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ भी वेरिएबल यू यूज किया है, वो कितना है देखो पी यू है यू पावर 6 प्लस 5 यू पावर 4 माइनस 6 यू पावर 3 प्लस 2, और ऐसे ही क्यू यू दिया हुआ है 6 यू पावर 5 प्लस 4 यू पावर 4 प्लस 3 यू पावर 3 प्लस 1, और हमें यह पूछा है कि पी वन माइनस क्यू माइनस 1 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं पॉलिनोमियल की पी वाले पी यू पॉलिनोमियल की क्या करते हैं यू बराबर 1 पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसी तरीके से इस वाले पॉलिनोमियल की क्या कर लेते हैं माइनस 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे और देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें पी वन पे पता करनी है, तो जहां जहां यू है वहां वहां क्या रिप्लेस कर देंगे 1 रिप्लेस कर देंगे, तो 1 पावर 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 पावर 3 प्लस 2, तो देखो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है, जैसे m कुछ भी हो सकता है, m कोई एक इंटीजर वैल्यू है, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा कितना आएगा इंटीजर भी हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1 का आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो 1 आएगा इसका, इसका भी 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इसका 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 2 आ गया, तो इनको सम करके देख लेते हैं, देखो 1 5 6 हो गया, 6 में से 6 करेंगे माइनस हो जाएगा 0 हो गया, और लास्ट में केवल क्या बच गया 2 बच गया, तो यानी कि पी वन की वैल्यू तो हमने निकाल ली, वो तो कितनी आई 2 आ गई। अब क्या करना है इस वाले पॉलिनोमियल की क्यू बराबर माइनस 1 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, तो क्यू माइनस 1 कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। देखो तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 3 और प्लस 1, ये तो आपको पता ही होगा कि माइनस 1 की पावर कुछ है m है, तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। अगर m की वैल्यू क्या है इवन है अर्थात सम है, तो क्या होगा जब इनको माइनस माइनस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो लास्ट में क्या होगा हमारा प्लस बन जाएगा। जैसे 4 ले लेता हूँ मैं पावर, तो सबसे पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस हुआ, फिर एक बार और माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस हो गया, फिर उस माइनस को वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 क्या है इवन है, तो जब भी पावर क्या होगी इवन यानी कि सम होगी तो इसका आंसर 1 आएगा, और जब भी m की वैल्यू क्या होगी ओड अर्थात विषम होगी तो उस वाले केस में इसका आंसर क्या आएगा हमेशा माइनस का 1 आएगा। तो देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 6 मल्टीप्लाई या पावर 5 है जो कि ओड है विषम है तो इसका आंसर तो माइनस 1 आएगा, और यहाँ पावर माइनस 1 की पावर 4 है जो कि इवन है इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर फिर से माइनस 1 आएगा क्योंकि 3 क्या है विषम है अर्थात ओड है और प्लस 1, तो इसको आगे मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो देखो 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 आएगा, और 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आएगा और प्लस का 1, ऐसे कैसे आ गया। तो देखो माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 9, और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो माइनस 9 में से प्लस का 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसकी वैल्यू कितनी मिल गई माइनस 4 मिल गई, इसमें सब इसको सबट्रैक्ट करना है तो 2 में से माइनस करना है कितना माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको और नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो एग्जांपल्स और देखते हैं उसके बाद में हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो हमारे को एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस
इसकी हमें क्या करना है, x बराबर 2, x बराबर -3 और x बराबर 0 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 8x बराबर 2, एफ 2 बराबर कितना होगा, तो इस पॉलिनोमियल में हर जगह पे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 2 रिप्लेस करना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब माइनस 13 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस लास्ट में कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 को किससे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 52 आ गया। और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा प्लस 12 आएगा। इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। तो देखो 34 में 16 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 50, 50 में 12 ऐड करेंगे तो 62 आ गया, और 62 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, इसका आंसर 10 आ गया। उसी तरीके से अगर हम x बराबर -3 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें जो कि कितनी होगी, f -3, वो कितनी होगी, देखो 2 मल्टीप्लाई -3 का क्यूब 13 मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई -3 और प्लस 12। तो देखो 2, और अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ देखा था कि -3 का स्क्वायर वो क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, -27 आएगा। और इसी तरीके से -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 117 आएगा। इसी तरीके से देखो ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस का आएगा, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, और प्लस लास्ट में कितना हो गया, 12 हो गया। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -54 आएगा, -117 आएगा, -51 आएगा, प्लस 12 आएगा। पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो 50 और 50 100 हो गया, 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 हो गया, 105 में फिर से 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 205 हो गया, और 205 में 17 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 222 हो गया, यानी कि 222 हो गया माइनस का। उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस का 12 करेंगे। तो देखो इन सब का सम आप लोग करके देख लेना, -222 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस 12 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 210। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया। और f 0 निकाले तो हर जगह पे x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा। तो देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और लास्ट में केवल कितना बच गया, 12 बच गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। और इसके बाद में ये भी एक एग्जांपल है, देखो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो देखो हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसकी x बराबर -1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ क्या है वेरिएबल है उसकी जगह -1 रिप्लेस कर देते हैं। तो p -1 क्या आएगा, 2 प्लस -1 बाई 2 प्लस -1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखते हैं ये ऑप्शन सही है क्या, हो सकता है कहीं गलती हुई है इस क्वेश्चन में, शायद यहाँ 3 होगा, तो देख लेते हैं अभी यहाँ 3 करके देखते हैं इनमें से कोई ऑप्शन है क्या। 2 और ये प्लस माइनस -1/2 आ गया, और -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो ये कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, और -3 का क्यूब कितना होगा, पावर कितनी है, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि पावर क्या है, ओड है यानी कि विषम है, तो आंसर -1 आएगा। और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/3 आ गया। सबके नीचे 1 लगा लो और सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, आपके अकॉर्डिंग देख लेना कितना होगा। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 में को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो देखो ऊपर कितना हो गया, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14, 14 में से 3 गया तो 11 आ गया। तो ये कितना आ गया, 11/6। एक बार देख लेना कोई गलती तो नहीं हुई है, एक्स की जगह पे -1 रखना था, -1 रखा, -1/2, -1 का स्क्वायर, आई थिंक ये भी क्या है, क्यूब नहीं है, वही है स्क्वायर ही है शायद, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो देखो तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसकी खुद की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी, और प्लस का 1 आएगी, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो माइनस आएगा, माइनस का 1/3 रह गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 होगा,
सिक्स और सिक्स कितना हो गया 12, 12 में से सिक्स फाइव माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सेवन आएगा। तो शायद इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसका, तो मैं ऑप्शन हटा देता हूँ। देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं इसको वापस से सोल्व कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा तुम्हारे को। देखो यहाँ नीचे ही सोल्व कर देता हूँ मैं, तो यही क्वेश्चन है स्क्वायर वाले से ही सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नोट करने में कोई गलती हो गई है तो वो देख लेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो पी माइनस वन निकालना है, टू मल्टीप्ल सॉरी टू प्लस माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस माइनस वन स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री। तो ये कितना हो गया टू, ये माइनस वन बाई टू हो गया, और ये देखो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वन ही आएगा, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे फिर से प्लस का वन आएगा, तो ये माइनस वन बाई थ्री हो गया। नीचे सबके वन लगा के एलसीएम ले लेंगे तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे सिक्स टाइम डिवाइड होगा, सॉरी वहाँ गलती हो गई थी स्टार्टिंग में हमारी, इसलिए गलत आ रहा था। इसका इसमें डिवाइड करेंगे सिक्स टाइम डिवाइड होगा, सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे थ्री टाइम डिवाइड होगा, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे सिक्स टाइम डिवाइड होगा, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सिक्स ही आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का टू आ गया। तो देखो बारह प्लस छः कितना हो गया सोलह, और सॉरी अठारह, अठारह में से पाँच गया तो कितना हो गया तेरह बच गया, तो आंसर कितना आ गया थर्टीन अपॉन सिक्स, ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो इसका इसमें डिवाइड किया सही है ट्वेल्व आया, इसका इसमें डिवाइड किया सिक्स आया, सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई किया थ्री आया, फिर यहाँ इसको किया आगे, हाँ सही है ये थर्टीन अपॉन फाइव क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, इस लेक्चर को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को क्या सोल्व कर सकूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।